शिव एक ब्रह्मांडीय नर्तक है। नटराज भगवान शिव का अनोखा स्वरूप है। शिव का नटराज रूप और नटराज नृत्य दोनों ही दिव्य है। नटराज रूप में शिव को अपने मानस पटल पर विजुअलाइज करें। नटराज शिव के चारों ओर अग्नि के घेरे हैं, जो जन्म और मृत्यु के काल चक्र को व्यक्त करता है। नटराज शिव की चार भुजाएं हैं। उन्होंने अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा है। डमरू जिसकी ध्वनि सृजन का प्रतीक है। ऊपर की ओर उठे हुए उनके दूसरे हाथ में अग्नि है, जो कि विनाश का प्रतीक है। उनका दाहिना दूसरा हाथ अभय मुद्रा में उठा है, जो सृष्टि की रक्षा करता है। उनका दूसरा बायां हाथ गज हस्त मुद्रा में बाएं पैर की दिशा दर्शाता है, जिसका अर्थ है शिव के शरण में ही मुक्ति है। भगवान नटराज ने अपने एक पांव से एक बौने को दबा रखा है। बौना जो शिव के पैरों तले दबा हुआ है, वह अज्ञान का प्रतीक है, जिसे नटराज शिव विनाश करते हैं। नटराज का बायां पांव ऊपर की ओर उठा हुआ है, वह मोक्ष दर्शाता है। शिव के चरणों में ही मोक्ष है। नटराज के चारों ओर का वृत्त ब्रह्मांड को दर्शाता है। ब्रह्मांड स्वयं में ही जो एक नृत्य है, बुद्धिमत्ता से प्रज्ञा से जन्मा हुआ नृत्य। नृत्य की सुंदरता का अनुभव करना हो तो स्वयं को ही नृत्य बनना पड़ेगा। अगर देख कर ही नृत्य की सुंदरता का अनुभव जो करते हैं, तो वे एक जिज्ञासु होते हैं, जो जानना चाहते हैं। किंतु यदि आप खुद ही नृत्य बन जाए, तो आप दिव्यता बन जाएंगे। आप एक योगी बन जाएंगे। आपको नृत्य में इतना डूब जाना है कि आप स्वयं ही नृत्य बन जाए। आप साक्षी या दर्शक न रह जाए, आप स्वयं ही नृत्य हो जाए। फिर आप अनुभव से नर्तक को जान सकेंगे। अगर आप नृत्य में पूरी तरह शामिल हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे तालमेल बैठता जाएगा, जैसे जैसे आप इसमें गहरे और अधिक गहरे उतरते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन हैं और नृत्य कौन सा है।
जब आप एक बार खुद ही नृत्य के भाग हो जाएंगे तो नर्तक की उपस्थिति आपसे अनदेखी नहीं रहेगी। आप ही नर्तक बन जाओगे और आप ही नृत्य बन जाओगे। हम इस नृत्य के भाग बनकर अपने भीतर के उस नर्तक की, उस नटराज शिव तत्व की अनुभूति करें। आपको नृत्य में इतना डूब जाना है कि आप स्वयं ही नृत्य बन जाए। सामान्य सांस पर ध्यान दीजिए। जब आपको तृप्ति का अनुभव हो जाए तो आप धीरे से इस ध्यान से बाहर आ सकते हैं।